पूछ तू, पूछ स्टार्ट कर। आदिल, अभी आपने मीडिया को फिर से बुलाया है, सो सबसे पहले मुख्य वजह जानना चाहेंगे क्यों हमने आपने फिर से हम लोग को बुलाया है, और दो व्यक्ति और भी दिख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जानना चाहेंगे। देखिए, आज बुलाने का रीजन ये था कि जो मेरे पर झूठे झूठे नए नए इल्जाम राखी जी कर रही हैं कि आदिल को फंसाने के लिए या मेरा नाम डिफेम करने के लिए जो जो वो यूज कर रहे हैं लोगों को, आज मैं ये फिर से कहना चाहूंगा ये जनता से, इस लोगों से जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लोग झूठ के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आगे से आए हैं। और मैं एक और बार ये भी बोलना चाहूंगा, मैं दोबारा विद प्रूफ आया हूं कि क्या हुआ था। सबसे पहले मैं एक वीडियो सुनाता हूँ आज क्या हुआ। आज कल तो ये जो फैजान भाई हैं, जो क्लेम कर रहे हैं कि आदिल चोर है, आदिल ठग है, आदिल राखी सावंत को लड़कियों के साथ ये करता है, महाराष्ट्र के लोगों को बर्बाद कर रहा है, एकनाथ शिंदे सर के पास हम जाएंगे, सबसे पहले एक बात बोलूं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, दोबारा मैं बोलना चाहूंगा। और लेट मी इंट्रोड्यूस, ये कौन है जो फैजान खड़के बोल रहे हैं ना, ये आदिल ने जिसको ठगा है, आदिल जिसके लिए मैं न्याय के लिए आया हूँ आगे, वो जो बोल रहे हैं भूपेश, जो उन्होंने लिखा है, भूपेश ने चेक दिए हैं आदिल को, आदिल ने इनको ठगा है 6 या 7 लाख रुपए, ये है भूपेश, ये है उनकी वाइफ। अब ये लोग बताएंगे कि रियल स्टोरी फैक्ट क्या थी। भूपेश बताइए। भूपेश, आपसे जानना चाहिए, आज फैजान अंसारी ने आपका नाम का जिक्र किया और काफी कुछ कहा आदिल के नाम से, तो कितनी सच्चाई है इस बारे में? उनको मिला था मेरे तरफ से ये सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मैं काफी लोगों से कट कर चालू तो रो यस इधर देखिए, कहाँ से मिले थे? वहां से, टैटू से। पूरा देखो जो भी है, सच सच बताओ कहाँ से तुम मिले, क्या क्या स्टोरी बोलो। टैटू के थ्रू हम लोग मिले थे, उनको टैटू बना रहा था, तो फिर मैंने ये सब बारे में उनको फत किया कि ऐसा ऐसा सब कुछ है, तो डिटेल वगैरह मैंने उनको दी थी इस बारे में। मेन वो तो अलग बात है, राखी जी से मैं मिला था यहाँ पे अंधेरी लोकंड वाला में, तो उनको टैटू के रिलेटेड हम दोनों के बीच में काफ़ी सारे बातें हुई थी, तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो उनको टैटू रिमूव करने का था, फिर उन्होंने घर पे मुझे बुलाया, फिर घर पे मिले, हम लोग को टैटू रिमूवल का वीडियो था तो वो काफ़ी वायरल वगैरह हुआ था, तो जब घर पे गए तो आदिल सर से मिलाया था, तो वहाँ पे हमारे बीच में बातचीत हुई, तो बोला टैटू का बिजनेस कैसा है एंड ऑल ऐसा ऐसा, तो बोला ठीक है अच्छा हम लोग कमा लेते हैं, तो बोला पार्टनरशिप में तुमको कुछ करना है क्या? तो आदिल भाई, मैं, राखी जी, ये और मेरे एक फ्रेंड, हम लोग वो शॉप पे गए, उनका जो कोकिला बेन हॉस्पिटल के सामने जो उनका शॉप है, तो शॉप में तो कुछ था नहीं, पूरा एकदम ऐसा नॉर्मल जो वैकेंट स्पेस रहता वैसा था, लेकिन उन्होंने बोला इसको बना अच्छा बनाएंगे, अपन टैटू का करेंगे, एक्टिंग क्लासेस करेंगे, सलमान खान को बुलाएंगे, फिर इसको बुलाएंगे, पूरा टॉयलेट अच्छे से बनाएंगे। तो आदिल भाई भी ये इंटीरियर डेकोरेटर का काम करते थे, तो मैंने बोला कि मैं आपके अकाउंट में डाल देता हूँ पैसे, बोले 3-4 लाख कर दे खर्चा, 1800-1200 स्क्वायर फीट की मेरी जगह है, तुझे तो पता है टैटू है, मैं बॉलीवुड पूरा लेके आ जाऊंगी ऐसा ऐसा, तो मुझे भी काफी स्कोप लगा और था भी वैसा। फिर आदिल भाई ने बोला कि तुझे कैसा चाहिए क्या चाहिए, तो मैंने बोला मेरा तो आपके साथ में ना मैडम, तो बोली मेरा GST का प्रॉब्लम है, इनके अकाउंट में पैसे डाल दे। तो मैंने सबसे पहले घर पे आदिल भाई ने बोला कि टोकन लेके आ, तो मैंने राखी मैडम के हाथ में 1 लाख रुपए कैश दिया था, तभी मैं, मेरी वाइफ, आदिल भाई, हम लोग सब लोग थे। फिर उन्होंने बोला कि और दे, फिर मैंने 4 लाख रुपए का उनको चेक दिया, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि और दे, फिर मैंने 50,000 और 48,500, मतलब टोटल 98,500 का आपके ये अकाउंट में डाला था, वो डिटेलिंग है। फिर उन्होंने बोला कि और दे, फिर मैंने 40,000 रुपए डाला, फिर उन्होंने बोला और दे 40,000, फिर पूरा काज पूरा दुकान कंटिन्यूसली बनी रहा था, तो उसके बाद में उन्होंने और बोला कि और दे, फिर 2 लाख रुपए के बारे में चेक मेरे को बोला कि और 2 लाख रुपए दे, फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट आने लगा कि अभी कैसा करेंगे, तो वो 2 लाख का मैंने चेक दिया, लेकिन मैं बोला पहले एक एग्रीमेंट बनाएंगे, पार्टनरशिप डीड बनाएंगे, जो तुम बोल रहे हो कि मैं सब सेलिब्रिटीज को लेके आ जाऊंगी
ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो नो डाउट मैं भी बोला 8 से 10 लाख में सलमान कौन बुरा थोड़ी है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है ना मेरे लिए भी, मतलब बिजनेस में मेरे को काफी स्कोप लग रहा था कि जगह भी अच्छी थी और लोखंड वाले ये सब जगह का मैं नया था बंदा। आदिल भाई भी सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने भी अपने जेब का पैसा लगाया हुआ है वो सब। फिर जैसे ही ये हो गया ना, मतलब पैसे आना चालू। भाई तुम्हें एक सवाल पूछना चाहूंगा, मैंने कितने का कोटेशन दिया पूरे बनाने का? 10 लाख रुपए का दिया था ताकि दे मेरे को। आपने मुझे कितने पैसे दिए? मैंने 7,30,000 रुपए थे, 1 लाख राखी के हाथ में दिया था और 6,30,000 इनके अकाउंट में जो डिटेल में है वो। आज भी तुम्हें मुझे कितने पैसे बनते हैं देने के? वो 2 लाख किन्होंने अपने जेब से डाला नो डाउट। अभी राखी ने क्या किया, इनसे भी लिया मेरे से भी लिया, वो जगह अपने उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से बनवा के ली। अभी बुलाता हूँ, कल बुलाता हूँ, फिर उसके बाद में बोलती है पहचान देनी है। फिर दोबारा मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे माफ करो। अब ये भी एक सत्य बताओ, तो आज तुमने मेरे पे झूठा एलिगेशन लगा के कंप्लेंट मेरे पे क्यों किया कि आदिल को पैसा देना? राखी ने बोला। कब बोला आपको? सुबह। क्या करके बोला? कि इनके खिलाफ दो। तो पुलिस स्टेशन में भी जब फोन कराया था ना उनको, तो वो तो एक ही बात बोल रही है, आदिल से बात कर, आदिल से बात कर। बीच में भी मैंने इंस्टाग्राम पे बात किया था तो मेरे को बोलेंगे आदिल को कर दे। देखो इनका एक ही गलती है कि इन्होंने अपने अकाउंट में पैसा लिया, मेरा गलती ये है कि मैंने विदाउट एग्रीमेंट ऐसे औरत पे भरोसा करके मैंने पैसे दिए। देखो मेरे जैसे के लिए तो ये पैसा अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है, नॉर्मली मेहनत से। तो जब आपको आज राखी जी ने बोला आदिल पे कंप्लेंट करो, आपने कंप्लेंट किया, तो उन्होंने क्या बोला कंप्लेंट के बदले में? वो आपको क्या देंगे? पैसे दिला देंगे, लेकिन वो ऐसा बोलती है, फिर फोन नहीं उठाती है, फिर आती हूँ, फिर बाद में उन्होंने उस टाइम पे भी फिर मेरे पे फॉल्स भी कंप्लेंट डालने की कोशिश की थी। ये जान से मारने की धमकी दे रहा है, आएगा तो टांग तोड़ डालूंगी, ये कर डालूंगी। जब इनका सब देख रहा हूँ सुबह से और काफी टाइम से इनको जो 6 महीना ये देख रहा हूँ, तो मैं बोला थोड़ा पीछे रहूंगा तो ही ठीक है। तब इन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया तो थोड़ा बहुत हिम्मत वगैरह आ रहा है, पहले भी था हिम्मत तब भी तो उनसे बात कर रहा था राखी से, लेकिन इस तरीके से पूरा पैसा मेरा डिटेलिंग में उन्होंने इनसे भी पूछ लिया। तो बेसिकली आप कह रहे हो आपको राखी से डर लगता था जाके खुद के पैसे मांगने में? खुद के पैसे जब चाहिए थे पैसे तो इस तरीके से पीछे पड़ गई। जब आपका वॉइस मैसेज लास्ट में ऐसा था कि उनको लग गया, मैं फोन करके बोलूं कि आप हमारे पैसे तो रिटर्न दे दो, हमको ऑपरेशन करवाना है, तो वो फोन ब्लॉक कर दे रहे हैं। आदिल भाई से भी मतलब बहुत अजीब बिहेवियर हो गया था लास्ट क्लास में जब हम रिटर्न पैसे मांग रहे थे हमारे, तब जब उनको पैसे लेने थे ना एकदम पीछे पड़ी थी। एक ही चीज बोल रही थी, तेरे पूरे खानदान को हिट कर दोगी, मेरे जगह से तो करोड़पति बन जाएगा, सलमान खान यहाँ पे आएगा, ऐसा वैसा सब उन्होंने दिखा है सपने। ऐसे ही कोई बंदा पैसे देता नहीं, और मैंने लिटरली बिग बॉस में उनका देखा है, अच्छा पैसा चाहिए तो कर सकती थी, और हमारा लाइन भी अच्छा है टैटू का, हो सकता था बहुत सारी चीजें, ये सब इनके सामने हुआ। चैट जो राखी आपको बोलती थी आदिल के अकाउंट में पैसे डालो मैं वो करूंगी, मैं तुम्हें हिट बना, तुम्हारे पास कोई एविडेंस रिकॉर्डिंग है ना? क्योंकि राखी जी ने हमेशा कहा कि अगर बात होती है तो उसका एविडेंस दिखाओ। पूरा मेरा चैट है वो, आप सब कुछ उनको भेज देना। सबसे पहले मैं आपको वॉइस में राखी सावंत इंस्टीट्यूट जो खोला था उन्होंने पूरा मेरे पैसे से बनाया हुआ टैटू स्टूडियो। सबसे पहले जो टैटू स्टूडियो ये करना चाह रहे थे तो इन्होंने वो गाला था, गाले पे इन्होंने खर्च किए, तो इन्होंने बहुत सारा उनको ब्यूटीफाई किया, सब कुछ इन्होंने पैसे लगाए और बहुत कुछ इन लोगों ने उसके पीछे काम किया है। उसके बाद जो उनकी एक और जगह है उसपे जो हम राखी सावंत स्टूडियो करना चाहते थे उसपे दोबारा हमने स्टूडियो के चक्कर में जो पैसे डाले वो मैंने लगाए, वो अलग बात है। हमारे टाइम भी आदिल भाई ने लगाए हैं पैसे, जैसे कि आधा हमने दिया, आधा हमको आज भी उनको देने हैं 2 लाख रुपए, पर हमने जो पहले दिए हुए 8 लाख रुपए
उनका शॉप लेने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक ही बोला तू मेरा शॉप अच्छे से चमका दे, मैं सेलिब्रिटी लेके आऊंगा, और हमारा प्रोफाइल ऐसा है टैटू इंडस्ट्री में या जो भी आजकल, तो उनके नाम से थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो मैं बोला ठीक है, राखी या बिग बॉस वगैरह सब कुछ है। अब मेरे को नहीं मालूम था कि एक लाख तो जो उनको इनके सामने दिया, वो तो बोलते मैंने लिया ही नहीं, मेरे को पता नहीं बिल्कुल दिया है, वो एविडेंस सामने दिया, कैश दिया हुआ है, 1 लाख रुपए कैश दिए हैं, 500-500 रुपए के दो बंडल्स थे घर में दिए थे, मैं एविडेंट हूँ, मैं था। ऐसी जब टोकन बोला था ना, मैंने लाके सीधे ऐसे 1 लाख रुपए दे दिया, फिर बोले 3-4 लाख थे, मैं पूरा खत्म हो जाऊंगा, लेकिन फिर उनका खत्म ही नहीं हुआ पैसे मांगने का, और जब पैसे पूरे उनके पास आ गए फिर उन्होंने ऐसा हाथ उठा दिया ब्लॉक। और इनका ये भी कहना है जब आज इनको बोला था कि जाके आदिल के ऊपर एक झूठा कंप्लेंट करो फैजान को पकड़ के, तो ये लोग जाके गलती से किए हैं, और इनको बाद में दिशा ने वीडियोस देखे हैं कि आज मेरे जो हो रहे हैं ट्रूथ के वीडियो, तो दिशा को फील हुआ कि हम लोग नहीं, हम लोग गलत किए, हम जाते हैं आदिल भाई से माफी मांगते हैं, उनके साथ बैठ के सत्य से ही हमारे पैसे मिलेंगे, क्या है सच है? हाँ, क्योंकि अभी कैसा है कि हम लोग जा रहे हैं, 1 साल हो गया, कोई कंप्लेंट नहीं ले रहा है हमारी, ना कोई स्टेटमेंट देने आ रहा है, तो हमको भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब ये भी मीडिया और सबका सपोर्ट लेके सत्य के साथ जा रहे, तो हम भी उनके साथ जाके हमारा व्हाइट में इन कैश दिया था। पहला टोकन उन्होंने मंगाया था 1 लाख आदिल भाई के सामने दिया, उनके घर पे दिया, दिशा पे दी, फिर उसके बाद में 4 लाख रुपए का चेक दिया आदिल भाई के अकाउंट में, फिर 98,500 कैश डिपॉजिट हुआ, फिर 40,000 बेसिकली ऑन रिकॉर्ड। तो बेसिकली स्टोरी मुद्दा इतना ही है, राखी का गाला ये देख रहे थे, ये ले रहे थे, वो जो भी उन्होंने बोला सलमान खान को बुलाती करके बुलाऊंगी करके, उन्होंने उनको झूठे झूठे वादे दिए मैं हिट बनाऊंगी, जैसे उन वो लोगों को बोलते हैं मैं तुम्हें घर घर पहुंचा दूंगी। उसके बाद जब वो गाला बनाना था, एज मेरी इंटीरियर की कंपनी है, उन्होंने बोला कि मुझे पैसे दो, आदिल से ही इंटीरियर करवाओ, मैंने इनको कोटेशन दिया 10 लाख रुपए का मैं करके दूंगा, जिसमें उन्होंने मुझे 7 लाख चेंज मेरे अकाउंट को भेजे। आज भी मैंने पूरा काम भी कंप्लीट कर दिया, आज भी मुझे उनसे 2 लाख रुपए आने बाकी हैं, लेकिन मैं आपसे उनसे क्या ही पूछूं जब वो ऑलरेडी 8 लाख से ठग चुके हैं। जब ये बातें बढ़ी, जब ये लफड़े झगड़े ज्यादा हुए, तो इनके जो थोड़े चीजें भी थे उधर, राखी ने उठा के सब चीजें को, 1 लाख का मेरा टैटू का पूरा सामान था वहाँ पे, बहुत सारा था, टैटू बैग था, फ्रिज था, सब इनको भी पता है, ये तो काम कर रहा है, हमारे पास उसका भी मेरे पास पूरा वीडियो है, जगह पे सब चीजें रखी हुई है और फोटो है, पर उन्होंने फोटो वॉइस मैसेज भी है कि वो बोले कि सब उठा के फेंक दूंगी मैं। फिर मैं गया भी था वहाँ पे झगड़ा करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं है, फिर उन्होंने जैसे पुलिस से मेरे को फोन करके बोला कि अरे भाई तूने, मैंने उसको जान से मारने की धमकी दी है, मतलब ऑलरेडी प्रूफ अगर है ना आपके पास तो मेरे को तो 2 मिनट में अंदर लेके चले जाएंगे, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, फिर मैंने ये जो कॉल रिकॉर्ड था वो सबको भेज दिया कैसे ऐसा है, तो वहाँ पे वो बात खत्म हो गया। अभी 1 लाख जो कैश दिया डायरेक्ट मुंह पे झूठ, मैंने तो लिया ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं, जान से मारने की धमकी, अरे मैंने दिया ही नहीं, मैं तो पार्टनरशिप का तूने बोला, क्योंकि उधर पे अंदर के तरफ था शॉप उसका, चलता नहीं था, लेकिन मेरे को लगा इसके नाम से चलेगा। हम लोग ने जो टैटू रिमूवल का वीडियो बनाया था ना रितेश के नाम का जो था, वो 10 मिलियन के आसपास का गया था, और आजकल कहता है इंस्टाग्राम फेसबुक यही दुनिया है, मतलब इसी के थ्रू क्लाइंट्स वगैरह आते हैं, तो मैंने बोला कि ठीक है वीडियोस वगैरह बनाएंगे टैटूज के अच्छे चलेंगे, लेकिन अभी तो अभी लंबा चल गया था। लेकिन क्योंकि आप लोगों के पास ऑन पेपर रिकॉर्डेड था कि आप लोगों ने पैसे दिए हैं, तो आप लोग लीगली जाने की आप लोगों ने कोशिश करी करे ना, हम लोग ने अंबोली में अंबोली बोलता वो लोकेशन के हिसाब से हमको पुलिस वाले इधर से उधर 1 साल हो गया घुमा ही रहे ना, मेरा उसका भी पूरा है जो और ना वो राखी मैडम स्टेटमेंट देने आ रही है, वो बोले मैं शूट में बिजी हूँ, तो पुलिस वाले बोले कि जब स्टेटमेंट नहीं होगा तब तक हम कुछ और ये सर तो थे नहीं आप तो कंप्लेन भी आप लोग हाँ कंप्लेन है हमारे पास, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा है, पर स्टेटमेंट के अलावा वो लोग भी एक्शन नहीं ले पाएंगे ना, उनका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं ना पुलिस स्टेशन आती नहीं, पुलिस का सपोर्ट आप लोगों को नहीं मिला इसका मतलब इन सारी चीजों में। 1 साल तो ओशी वाला पुलिस स्टेशन पे कुछ भी नहीं था, पूरा मोटा मोटी बात कहने की है, मैं ये कहना चाहूंगा प्लीज मेरे पे झूठे झूठे एलिगेंस लगाना बंद करो, नए नए लोगों को लाके लगाना तो बंद करो, सत्य की जो लड़ाई है वो ही लड़ लेते हैं सर प्लीज। फैजान को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए इसमें टू फोल्डेड स्टोरी है कि कैसे प्री प्लान आफ्टर थॉट मैनर में एक प्लान बनाया जाता है। एक गरीब आदमी को पकड़ा जाता है जिसको ये बताया जाता है, उसको पता है कि इसका टैटू का बिजनेस है, उसको ये बोला जाता है कि बेटा एक काम कर, मेरी एक टूटी फूटी सी जगह है उस पे तू एक काम कर, तू इंटीरियर का सारा काम करवा दे, तू टैटू का बिजनेस कर, पार्टनरशिप में रहेगा, पहले तो उसको रिनोवेट कर ताकि वो
जगह धंधे के लायक हो जाए और वो रेडी हो जाएगा, उसके बाद टैटू का तुम अपना धंधा शुरू करो। हम सलमान खान को, इनको, उनको, जो भी उनकी विश लिस्ट में सबसे पहला नाम सलमान खान का रहता है कि वो लोग आएंगे। अब ये एक लेमैन आदमी जो इसने मीडिया में देखा है कि हाँ उसको पता, और इसके पास में रीजन था बिलीव करने का कि हाँ ये कैपेबल है कि वो कर जाएंगे, और अगर सेलिब्रिटी हमारे आएंगे तो चलो ठीक है, आपके गुडविल की वजह से हमारे यहाँ सेलिब्रिटी आते हैं तो विल अर्न डेफिनेटली, और उनको शेयर देने में कोई दिक्कत नहीं। अब स्मार्टली उन्होंने अपने इंटीरियर करवाया, और इंटीरियर करवाने के लिए उन्होंने क्या डायरेक्ट किया, इनडायरेक्टली उन्होंने आदिल को बोला कि तुम इंटीरियर का करते हो, कोटेशन तुम दे दो, पेमेंट तुम अपने अकाउंट में मंगाओ। ठीक है, ये गरीब आदमी पेमेंट आदिल को देता है, आदिल 10 लाख रुपए का कोटेशन देता है, और ये बंदा जितना भी हो सकता है करता है। एक बार वो जगह रेडी हो जाती है, वो रेडी होने के बाद फिर राखी जी का नाटक चालू हो जाता है, क्योंकि उनका इंटेंशन तो था ही नहीं ना वहां पे टैटू शॉप खोलने का, उनका इंटेंशन तो था अपने टूटे फूटे उसको महल बनाने का, जैसे एक्टिंग स्कूल के नाम पे इसे 60 से 65 लाख रुपए इन्होंने वो और बीच में, और बीच में आदिल को फंसा लो, उनका इंटेंशन तो था। इसमें दो चीजें हुई, एक तो उनका घर रिनोवेट हो गया, बीच में आदिल फंसा, वो साफ सुथरा वो करके निकल गई। ठीक है, अब उनको याद आता कि हाँ यार एक आदमी था जिसका मुझे पैसा देना था, अब उसको फोन करती है भाई अगर पैसा तुमको लेना है ना तुम एक काम करो, आदिल को एलिगेशन कर दो, हम तुमको पैसा दिलाएंगे। लेकिन ठीक है, सच्चाई सच्चाई होती है, एक दिन बाहर निकल। अब दूसरी बात, हम फैजान पे आते हैं। फैजान ये क्लेम करता है कि वो इस बंदे का दोस्त है, और उस बंदे के कहने पे इस बंदे ने आदिल दुरानी को पैसा दिया है। स्टोरी जो फैक्ट है वो आपको समझ में आ गया। अब ये फैजान क्या बोलता है ये आप सुनो, ये बोलता है कि मेरे कहने पर वो ये बंदा अभी डिप्रेशन में है, हाँ इसलिए मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। मैं ये पूछता हूँ ये महोदय से कि तुम्हारी लोकल स्टैंडर्ड क्या है इस मैटर में, हु द हेल आर यू, तुमने पैसे दिए थे, तुमने पैसे लिए थे, बीच में कहीं तुम इन्वॉल्व थे इस मैटर में, नहीं थे ना, तो लीगल स्टैंडिंग तुम्हारी है ही नहीं। हाँ दिल लड़कियों से पैसे तुम ये डिफेमेटरी, हाईली डिफेमेटरी, और ये करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, तुम तो क्लियरली है, और तुम ये बोलते हो कि इस बंदे ने आदिल का पैसा, आदिल ने इस बंदे का पैसा खाया, मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। अरे तुम कौन होते पुलिस में कंप्लेन करने वाले, अगर कोई है तो ये बंदा करेगा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन। और फिर उसके बाद बोलता है कि मैं राखी सावंत के साथ खड़ा हूं। भाई ये अलग चैप्टर है, अगर हम उसकी बात को सच्चाई भी मान लें तो ये अलग चैप्टर है, और आप बोलते हैं राखी सावंत, इसका मतलब सीधा सीधा नेक्सस समझ में आता है ना कैसे। और इस बंदे के अगेंस्ट में, राखी सावंत के अगेंस्ट में, चलो ठीक है वो तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का क्लियर कट मैटर है, इनके अगेंस्ट में जितना भी रिलेवेंट सेक्शन होते हैं उसके अंडर में इनके अगेंस्ट में एक्शन तो लूंगा और जरूर लूंगा, ताकि ऐसे फेक लोग चीप पब्लिसिटी के लिए और मेरे क्लाइंट को डिफेम करने के लिए फ्यूचर में थोड़ी सी हिम्मत ना करें। दैट्स अबाउट इट गाइस, लेकिन एंड ऑफ द डे यही चाहिए, इनको न्याय मिले, इनका पैसा बिचारों का मिल जाए, मैं इनके साथ खड़ा हूं, और लीगली नीरज सर भी उनके साथ, मैं लीगल सपोर्ट, लीगल असिस्टेंस जो भी होगा इस लड़के को इसका पैसा दिलाने के लिए मैं करूंगा। हमको भी जनता से अपील है कि हमें न्याय मिले ऐसा, और मैं पुलिस वालों से अपील करूंगा कि थोड़ा पावरफुल लोगों की बात आप जितनी जल्दी सुनते हैं, थोड़ा सा जो हेल्पलेस नीडी लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, कानून उनके लिए बना है, उससे कोई भी मिलो मत, जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहो, हद औरत के नाम पे बर्बाद है, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मेरे को मालूम नहीं एक वर्ड यूज कर भले फेमस किया कि नहीं, लेकिन चूतिया जरूर बुलाया अच्छा खासा। All right, thank you so much. Thank you so much, guys.